वचन है ऐसी बोली जैसे हो कोई मीठी गोली। हाँ जॉर्ज सर बताइए क्या नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। फादर हम एक टीवी सीरीज बनाने की सोच रहे हैं जिसमें सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को छोड़ने का संदेश सटायर और कॉमेडी यानी हास्य और व्यंग के साथ दिया जाए। बहुत बढ़िया विचार है। ये कहानी है एक ऐसे क्षेत्र की जहां ठाकुर वीरभान सिंह का राज चलता है। ठाकुर साहब इस क्षेत्र के पिछले 25 वर्षों से विधायक हैं और इस क्षेत्र में ठाकुर साहब का बड़ा मान भी है। बच्चा बच्चा उनकी प्रशंसा के गीत गाता है कि कैसे उन्होंने दलितों और गरीबों का भला किया है। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो गंगाराम, पांव तो भगवान के छुए जाते हैं, मैं तो एक इंसान हूँ, ऐसा मत करो मेरे भाई, मुझे पाप चढ़ेगा। अरे नहीं मालिक, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मालिक हम गरीब लोग अछूत के लाते थे, गांव में हमें कोई पूछता भी नहीं था। हाँ मालिक, हम तो कुएं का पानी तक नहीं पी सकते थे, ना ही मंदिर में आ जा सकते थे। हाँ लेकिन आपकी दया से आज हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ मालिक, आपने तो हमें इतना मान दिया है कि हम आपके लिए अपनी चमड़ी के जूते भी बना दे तो भी कम है। अरे नहीं नहीं, भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए, भेदभाव तो हम इंसानों ने किया है। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, कौन ऊंचा और कौन नीचा, सब बराबर है। पर ठाकुर साहब, गंगाराम ठीक कहता है, आपकी वजह से ही हम गरीब अछूतों का उद्धार हुआ है। अरे बिरजू तुम भी आ गए, आओ आओ मेरे यार। ये देखो ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे बकरे को कसाई गले लगाता है। पंडित जी क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हजूर, बस आप दोनों गले लगे तो कृष्ण सुदामा का मिलन याद आ गया। ठीक कहते हो पंडित जी। अच्छा बिरजू और बताओ, घर में सब ठीक है ना? और तुम्हारा वो बेटा प्रेम कैसा है? बस ठाकुर साहब, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। मेरा बेटा प्रेम शहर में दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है। कह रहा था देखना बापू, मैं डॉक्टर बनकर अपने गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई है। क्या मतलब पंडित? हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि आजकल कैसी कैसी बीमारी आ गई है हजूर, जैसे ये चिकनगुनिया, और वो भड़के पुपा जी, और वो स्वाई फूल। अरे पंडित जी, चिकनगुनिया नहीं चिकनगुनिया, और भड़के फूफा जी नहीं बर्ड फ्लू, और क्या कहा तुमने सवाई फूल? अरे स्वाइन फ्लू होता है बेवकूफ। हाँ हाँ, ना जाने कैसे कैसे नाम रख दिए हैं बीमारियों के। हमें तो अपने बच्चों के नाम भी इसलिए याद है कि खेत में हुआ तो खेताराम और शाम को हुआ तो श्यामलाल। ठाकुर साहब मैं भी आ गया। आ जाओ मुनीम जी, आपके आने की खबर तो हमें पहले ही मिल जाती है। वो कैसे मालिक, कौन पहुंचाता है खबर? अरे तुमसे पहले तुम्हारे सर में लगे इस चमेली के तेल की गंध जो आ जाती है। क्या
अच्छा बिरजू, अब मैं चलता हूँ, बड़ी देर हो गई है और फिर आज चुनाव के टिकट की घोषणा भी होने वाली है, तो पार्टी कार्यालय भी जाना है। तुम आ रहे हो ना? जी ठाकुर साहब, मंदिर आया हूँ तो जरा पूजा पाठ कर लूँ, फिर सीधा पार्टी के कार्यालय में ही आऊँगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। प्रेम बचन है ऐसी बोली, जैसे हो कोई मीठी गोली। आपको तो ये भी याद नहीं कि हमारी एक बेटी भी है, सपना, जो कि शहर में हमसे दूर रह रही है और आज उसका जन्मदिन है। अगर आप जीएसटी सहित Tele.ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSC कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेज में फर्नीचर संबंधित सारे कार्य होते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे स्टील का हो। हमारा पता है राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेज, पारी गर्ल्स कॉलेज के पास, अपोजिट जैन फाइनेंस, सिकर हाउस कपड़ा मार्केट के सामने, झोटवाड़ा रोड, जयपुर। नए पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर पार्ट्स खरीदने के लिए, कार्ट्रिज रिफिलिंग, CCTV कैमरे लगवाने और AMC की सुविधा के लिए संपर्क करें लक्ष्य कंप्यूटर्स, मेन बस स्टैंड, काला डेरा, जिला जयपुर। मोबाइल नंबर 9982289165। आप भी मेरी तरह एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए टावर, यानी टेलीविजन एकेडमी ऑफ एक्टिंग बाय एक्टर्स ऑफ राजस्थान। भूमि पूजन, गृह प्रवेश, वर वधु कुंडली मिलान एवं विवाह आदि मांगलिक कार्यों हेतु पंडित गणों की सेवाएं प्राप्त करने तथा मुहूर्त जानने, जनपत्रिका बनवाने एवं फलादेश हेतु संपर्क करें पंडित कंप्यूटर्स, झोटवाड़ा रोड, जयपुर। मोबाइल 9314501722। अगर आप GST सहित Tele.ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSC IT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए कमांड्स, चांदी की टकसाल, जयपुर। मोबाइल नंबर 9828561706। प्रेम बचन है ऐसी बोली, जैसे हो कोई मीठी गोली। गया आप? हूँ। अरे आपको फुर्सत भी है दुनियादारी से? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, आपको तो ये भी याद नहीं कि हमारी एक बेटी भी है, सपना, जो कि शहर में हमसे दूर रह रही है और आज उसका जन्मदिन है। सुबह से 3-4 बार फोन कर चुकी है आपके फोन पर आप है कि परवाह ही नहीं है, मोबाइल भी घर पर ही छोड़ जाते हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि आज अपनी सपना बेटी का जन्मदिन है। अरे सुनो, ये थोड़े रुपए हैं, जाओ और गांव वालों को खाना और मिठाइयां बांट दो। सभी गांव वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि आगे ठाकुर साहब की बेटी का जन्मदिन है। अरे ये सब तो हो जाएगा, पर पहले आप उससे बात तो कर लीजिए, वो नाराज है। अरे हाँ, वो नाराज तो होगी मुझसे, जरा मेरा मोबाइल देना।
मैं अभी उससे बात करता हूं। हेलो पापा। ठाकुर साहब क्या हुआ? लगता है ठाकुर तो गया मार्केट रो अब। क्या बकते हो मुनीम जी? अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या बताऊं, ये सपना इतनी जोर से चिल्लाई कि कान का बाजार ही बंद हो गया। हेलो क्या हुआ पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बेटी इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो, कान के पर्दे फट जाएंगे। सॉरी पापा, लेकिन मैं कब से आपसे बात करने के लिए तरस रही हूँ, और एक आप हैं कि आपने अब तक मुझे बर्थडे भी विश नहीं किया। ओहो तो क्या हो गया, अब विश कर देता हूँ बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, देखो मैं माता दीन के हाथ तुम्हारे लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ भिजवा रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, कितने फोन किए आपको, मेरा फोन तक पिक नहीं किया, और अब बर्थडे विश कर रहे हो। एक मैं हूँ जो यहाँ आपका सपना पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो तुम्हें तो पता ही है बेटा, इलेक्शन नजदीक है, टिकट मिलने वाले हैं, बस मैं उसी में बिजी था। अरे माफ भी कर दो अपने पापा को, देखो जब तुम आओगी तो तुम्हें लेटेस्ट मॉडल की एक कार गिफ्ट में दूंगा। क्या सच पापा? ओ पापा आई लव यू। पापा मुझे पूरे कॉलेज में मिठाई बांटनी है और पार्टी भी देनी है। अरे जरूर दो पार्टी और बांटो मिठाइयाँ, मैं माता दीन के हाथ तुम्हारे लिए पैसे भी भिजवा रहा हूँ। एक बात तो बता मेरी लाडो, तू अपने पापा से मिलने कब आ रही है? बस पापा कुछ दिनों बाद छुट्टियां आने वाली है, छुट्टियों में मैं वहीं रहूंगी आप सबके साथ, फिर हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। ओके बेटा बाय, आई लव यू। आई लव यू टू पापा। ओके बाय बाय बाय। मागणी भाई साहब, आपका सारा सामान आपके रूम में रखवा दिया है, और ये कुछ रुपए ठाकुर साहब ने भेजे हैं आपके लिए, लीजिए। ठीक है अब मैं चलता हूँ, और हाँ पापा से कहना मैं जल्दी घर आऊंगी। ठीक है भाई साहब। एक्सक्यूज मी Yes, fully was me. लगता है कुछ लोगों को भगवान ने इंसान बना दिया बंदर बनाते बनाते। हाँ, और इनको तो बंदरियों ने भी अपने लेवल का नहीं समझा, इसलिए मजबूरी में भगवान ने लड़कियाँ बना दिया बंदरिया बनाते बनाते। चल श्याम बैठते रहे। छोड़ सपना, क्यों वो लगती इन पागलों के, अगर गोबर में पत्थर मारोगी तो अपने ही ऊपर आएगा ना। ये तो अच्छा है, इससे अच्छा फेसबुक तुम्हें मिलेगा भी नहीं, और तुम्हारे बजट में भी आ जाएगा, और इससे तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। लगता है तुम तो बचपन से वही यूज कर रहे हो, तभी तो इतनी स्मेल करते हो। नेचुरल डियो है मैडम, कहो तो घर के लिए दो चार पैक करवा दूं। ए शर्म नहीं आती तुम्हें, किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं, बेशरम कहीं के। अब तुझे देखकर तो भगवान भी आज तक कंफ्यूज है कि सिस्टम में गड़बड़ी कहां से हुई। इन लड़कियों का साथ रहना छोड़ दे, वरना घर वालों को कन्यादान की जगह अधूरा दान करना पड़ेगा, समझ गया? हाँ, और तेरी भर्ती ना औरतों में होगी और ना तेरी गिनती मर्दों में होगी, वक्त है अभी भी। छोड़ ना विक्की, जाने दे, मुंह नहीं लगा करते ऐसे लोगों के। लगता है इनकी गरीबी ने इनकी सोच को भी गंदा कर दिया है। ओहो गरीबों के एक्वागार्ड, आ जाओ गंदगी साफ कर दो, शायद कुछ इंसानियत सीख जाओ। मुँह ऐसा बनाती हो जैसे बिना दांत वाले की मुँह से बीड़ी निकाली हो किसी ने। मुझको बिना दांत वाली लड़की बोला तुमने? वाह प्रेम, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है,
हेलो उठो, ये तुम्हारे बाप का सोफा सेट नहीं है, प्रेम की गोद है, हर किसी के लिए नहीं है, चलो। यू शट अप। पता नहीं कहां कहां से आ जाते गवार कहें के, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। प्रेम बचन है ऐसी बोली, जैसे हो कोई मीठी गोली। बच्चों जिस दिन मौका मिला ना, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करोगे। टेली सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, टेली सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए या टेली सॉफ्टवेयर सीखने के लिए संपर्क करें गेट इन्फोटेक तथा गेट कंप्यूटर्स, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर, राजस्थान। हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करने तथा डिस्टेंस लर्निंग की भी सुविधा है। इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो GST से घबरा रहे हैं और दूसरे जो GST को अपना रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस चलते हैं GST रेडिट टैली पे, बिलिंग से लेकर फाइलिंग तक, टैली है तो तैयार है। उत्तम क्वालिटी और उचित दाम वाले हर प्रकार के इन्वर्टर और बैटरी के लिए संपर्क करें ओमकार बैटरीज, रोड नंबर 14, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, सीकर रोड, जयपुर। मोबाइल नंबर 7014585151। माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल इज अंडर द पेट्रनेज ऑफ सेंट पीटर सोसाइटी रन बाय द CMC सिस्टर्स, रनिंग इन इट्स 12th ईयर सक्सेसफुली, एंड वी आर प्राउड टू हैव एफिशिएंट टीचर्स एंड वेरी एक्टिव एंड एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स। काबुल चिकन सज्जी, चिकन टिक्का, फिश अल्फाम, कबाब, चिकन चंगेजी, स्टू, कोरमा, बिरयानी, काबुली रोटी और पराठा आदि अफगानी लजीज खाने का लुत्फ उठाने के लिए आइए KCS रामगंज, जयपुर। मोबाइल 7340484040। मेरा नाम गौरव है, मैं फोर्ट जिम का फाउंडर और मेन कोच हूँ। हमारा जिम कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एथलीट बनना चाहता हो, चाहे एक्टर बनना चाहता हो, मॉडलिंग की प्रिपरेशन करना चाहता हो या नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहता हो, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा जिम फोर्ट जी जिमनाजियम। एड्रेस है A8 SSB नगर, आयरिस सर्किल, सुडाला, जयपुर, राजस्थान। प्रेम बचन है ऐसी बोली, जैसे हो कोई मीठी गोली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट्स। Good morning, sir. You stupid. Are you special one? जो तुम्हें अलग से good morning कहूँगा। Special one ही है sir. सपना की गोद आई बहन है ये। ठीक कहा। ये मेरी बहन तो नहीं, मगर छोटा भाई है। तुम्हें कोई problem? No problem. वैसे भी आजकल ऐसा ही होता है। तुम जैसी लड़कियाँ cousin brother बोलकर जिससे भी introduce करवाती हो, वो न जाने कब fiance और कब ex हो जाता है, पता नहीं चलता। Silence please. मेरी क्लास को फिश मार्केट बनाकर रख दिया है। हाँ तो देखो। दिखाओ सर। हे यू, क्या मैं यहाँ कोई फिल्म दिखाने आया हूँ? हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर नजदीक आ रहे हैं तो तुम्हें उसकी तैयारी भी करनी है। तुम सब लोगों को एक एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर मुझे सबमिट करनी होगी। सर मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, कल ही मैं फाइनल रिपोर्ट सबमिट करा दूंगा आपको। गुड, वेरी गुड प्रेम, मुझे पता था कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। सिट डाउन। थैंक यू सर। सर मैं अभी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 3-4 दिन में आपको सबमिट कर दूंगी, बस थोड़ा काम बाकी रह गया है। ओके गुड, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। तो अब लंच टाइम हो गया है, लंच के बाद इसी क्लास में फिर से मिलते हैं।
बच्चू जिस दिन मौका मिला ना तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करोगे।